बार मुझे उनके दर्शन करने दे दीजिए। ठीक है, जाओ। अगर तुम चाहती हो कि इस घर में और मातम आते रहें, तो बेशक जाओ। अब जल्द से जल्द साक्षी का भी खेल खत्म करना है। बल्ली, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। दिमाग ठंडा रखो अपना। आप ही घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाइए। क्योंकि जब वो सीढ़ियों से गिरी थी तो सबसे पहले तुम वहां पहुंचे थे। तुम्हारी ये खामोशी मेरे सवाल का जवाब देती है। तुम क्या जानती हो इसके बारे में? बोलो साक्षी, साक्षी बोलो। बोलो साक्षी, क्या जानती हो? अरे अमन जी, आप? अमन जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। नहीं, मैं आप इतना झिझक क्यों रहे? हम तीनों के बीच जो समीकरण है, उससे झिझक तो होगी ना? पर आप दोनों की दोस्ती इस समीकरण के ऊपर है, क्योंकि पहले साक्षी आपकी दोस्त है और बाद में मेरी पत्नी। अमन जी, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर आप क्या करें, इसी का नाम तो जिंदगी है। अब जीना तो पड़ेगा ही ना, लोगों को माफ करना तो पड़ेगा ही ना। आपने भी साक्षी को माफ कर दिया ना? कब से मैं बोले जा रहा हूं, आप लोग कुछ बातें कर रहे थे ना? वैसे आप लोग बातें क्या कर रहे थे? मैं भी ना कितने सवाल पूछता हूँ। अरे भाई, इतने अच्छे दोस्त हैं, बातें तो कितनी हो सकती है ना? अच्छा, एक काम कीजिए, आप लोग बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। आप लोगों को संकोच हो रहा होगा ना? अरे अमन जी, सात फेरे मेरे साथ लिए, पर दिल में प्यार किसी और के लिए। वो अमन जी। अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप खड़े रहो। एक और लफ्ज मुंह से मत निकालना, समझ गए तुम? सिर्फ मेरी बातें सुनो। आज के बाद इस कमरे में कोई नहीं आएगा, ना तुम अमन से बात करोगी, ना उससे मिलोगी, और अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया, तो तुम उसका अंजाम जानती हो,
प्रभु जी, बड़ा ही दुख हुआ महाश्वेता देवी जी के निधन पर। ठीक है, मैं उनकी आत्मा को ये मैसेज दे दूंगा, कोई बात नहीं। प्रभु जी, बड़ा दुख हुआ मुझे महाश्वेता देवी जी के निधन की खबर सुनकर। ये होती है एक साधारण इंसान की निशानी। वो बलि का बच्चा पता नहीं किस घड़ी का इंतजार कर रहा है, कब वो साक्षी को मारेगा और कब मैं अमर बनूंगा और कब मेरे शरीर से एक तुच्छ इंसान की तरह ये खून निकलना बंद होगा। सब्र शील जी महाराज, साक्षी भी मर जाएगी और आप भी अमर हो जाएंगे। बलि, परेशान मत होइए। बस इसी आम फहम सोच से तो आजाद होना चाहता हूं बल्ली, इसीलिए तो आपका आह्वान किया, आपको मृत्यु लोक में बुलाने का कष्ट दिया मैंने। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? इतने शक्तिशाली हैं, वो शिकार सामने है और आप स्वयं इतने बड़े शिकारी हैं। शिकार करो, मुझे अमर करो। ये किताब गए अपनी कही हुई बात, साक्षी कोई आम लड़की नहीं है, माता की बेटी है वो। भूल गए, उन तीन पवन त्रिशूलों के जरिए तुमने साक्षी को मारने की कोशिश की थी, पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मैं वही गलती फिर से नहीं दोहराना चाहता। साक्षी का वध करने के लिए माता को रास्ते से हटाना होगा, उन्हीं की ममता को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं बल्ली, आप तो कभी गलत कह ही नहीं सकते, लेकिन क्या ये बताने की कृपा करेंगे कि ये सब होगा कैसे? साक्षी के अंदर माता की जो सोच है, जो आस्था है, जो विश्वास है, हमें उसे खत्म करना होगा। और जब माता उसके अंदर नहीं होगी तो वो चाह कर भी उसे नहीं बचा सकती। हर रोज साक्षी को कमजोर करना होगा, उसके मन में डर और दहशत के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। नारायण नारायण। माते, साक्षी पर बलि का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, कहीं सच में वो साक्षी के भीतर आपकी आस्था को नष्ट न कर दे। माते, मुनिवर, ये साक्षी के लिए परीक्षा की घड़ी है। अभी तक उसने सबसे छुप कर मेरी भक्ति की है, पर अब उसे संसार के समक्ष कठिनाइयों का बोझ सहकर मेरी भक्ति करनी है, मुझ में आस्था बनाकर रखनी है। और मैं जानती हूँ कठिन से कठिन समय में भी मेरी बच्ची साक्षी मेरी आस्था से नहीं हटेगी, मुझ में अपना विश्वास बना के रखेगी, सदा सत्य को ही चुनेगी वो। नारायण नारायण। ना तुम अमन से बात करोगे, ना उससे मिलोगे, पर अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम उसका अंजाम जानती हो। माँ, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ उसका परिणाम क्या निकलेगा।
लेकिन माँ मुझे ये फैसला लेना ही होगा। बस मुझे इतनी शक्ति दे दो कि जब मैं ये फैसला लूं तो उस वक्त मैं कमजोर न पड़ूं। देखिए अमन जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तो वक्त के साथ निकल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर कोई तसल्ली देने या फिर माफी मांगने नहीं आई हूँ। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा तुम्हें देने के लिए। नहीं अमन जी, है आपके पास, आप ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए से चले जाइए। साक्षी। अमन जी, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। आपका और मेरा रिश्ता एक झूठ था जो खत्म हो चुका है कब का। और रही बात आपका रिश्ता इस घर से, तो श्वेता जी के साथ साथ वो भी खत्म हो चुका है। मैंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की है और मुझे लगता है कि आपकी वजह से मेरे और मेरे पति के बीच में मुश्किलें आ सकती हैं। आप मेरे और मेरे पति के बीच में एक दीवार है और मेरा मानना है कि उस दीवार का गिरना ही अच्छा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़कर यहाँ से चले जाइए। से आ रही हो तुम? कहाँ गई थी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अमन जी से मिलने गई थी। अच्छा सुनो, यहाँ
डरो मत, यहाँ आओ मेरे पास, अपने पति के पास। चलो आओ, आओ बैठो बैठो। जानती हो साक्षी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत खूबसूरत। अच्छा सुना है कि तुम माता रानी की बड़ी भक्त हो, अच्छी बात है। हम सबको किसी ना किसी की भक्ति तो करनी होती है ना, हम सब का कोई ना कोई तो हमारा भगवान होता है ना, जिससे हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि वो हमें सही सलामत रखे, हमेशा हमारी रक्षा करें। पर अफसोस, तुम्हारी माता रानी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती। अब देखो ना, तुम्हारी मां मर गई, उन्होंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे नानू मेरे कैद में है, क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं। और तुम्हारा प्यार, जिससे तुम इतना प्यार करती हो, एक पल में वो पराया हो गया तुमसे। क्या किया माता रानी? कुछ नहीं। क्या फायदा इस आस्था का, इस विश्वास का? हां साक्षी, क्या फायदा? कुछ नहीं। अच्छा तुमने पूछा नहीं कि ये सजावट क्या? क्योंकि आज आज हमारी सुहाग रात है, हमारी सुहाग रात है साक्षी। साक्षी अगर मैं चाहूं तो इस वक्त तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। पर मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे लायक तुम बलि के लायक नहीं हो। माता की भक्त साक्षी, जितनी प्रार्थना करनी है कर लो उनसे, पर कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, माता रानी भी नहीं, सिर्फ मैं बचा सकता हूं तुम्हें। तुम्हारा पति।
क्या बात है साक्षी, क्या हो तुम्हें इतनी डर क्यों रही हो अपने पति से? हाँ आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। वैसे जानते हो तुम्हारे चेहरे पे यह डर तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा देता है। जचता है तुम पर यह डर, ये दहशत जचता है। फिर मैं सोचता हूँ कि कितनी शातिर हो तुम, इस भोलेपन में तुम कितने खेल खेलती हो जानता हूं मैं। वैसे मैं ये बताने आया था कि अमन इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जा रहा है। क्या होगा इस मोहब्बत का अब? दूसरी पायल मैं तुम्हें तब पहनाऊंगा जब हमारी शादी होगी। शादी की पहली रात को जब हम एक हो जाएंगे। आप मेरे और मेरे पति के बीच में एक दीवार है और मेरा मानना है कि उस दीवार का गिरना ही अच्छा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़कर यहाँ से चले जाइए। तुम यही चाहती हो ना तो यही सही। नहीं आऊंगा तुम्हारी इस नई जिंदगी में। अपना तुम्हारी जिंदगी में अमन होगा और ना मेरी जिंदगी। मुझे माफ कर दीजिएगा अमन जी। तो मैं आपके साथ कोई रिश्ता निभा पाई, ना ही आपकी दोस्त बन सकी, और आज मेरी वजह से आपको ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। अमन भैया रुक जाइए ना अमन भैया। अमन बेटा मैंने हमेशा आपको अपने बेटे की तरह समझा। आपके साथ कोई रिश्ता ना होते हुए भी अपना समझा। हम सब ने आपको अपना माना है बेटा। तो फिर बेटा
बंधन तोड़कर क्यों जा रहे? मत जाओ बेटा, हमें छोड़कर मत जाओ। मथुरा आंटी, मैं कोई बंधन तोड़कर नहीं जा रहा। आज भी हमारा रिश्ता वैसे ही है जैसे पहले था। जैसे हालात इस घर में चल रहे हैं, उसके रहते मैं यहां पे कैसे रुक सकता हूं? मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी तकलीफ हो। तकलीफ तुम्हारे रहने से नहीं है अमन। गौरी बिल्कुल सही कह रही है अमन बच्चे। ये क्या कर रहे हैं आप अमन बच्चे? आप कहीं नहीं जा रहे। मुझे यहां से जाना ही होगा। आप कहीं नहीं जा रहे, ये मेरा आदेश है अमन बच्चा। इस ताने बाने को मैं बहुत जल्द ठीक कर दूंगा। पूरे परिवार के साथ मुझे बात करनी है और बाकायदा बात करनी है। बलि, आप इसी वक्त जाएंगे और साक्षी को यहां बुलाकर लाएंगे। सच्चे प्यार की तो बहुत कहानियां सुनी है मैंने, मगर पहली बार देख रहा हूं अपने नातों को बचाने के लिए तुमने अपना रिश्ता तोड़ दिया अमन से, और अब अमन को बचाने के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए उसी को दूर कर रही हो। पर अमन कहीं नहीं जा रहा साक्षी, ये बात मत भूलना कि इस घर के लोगों का भाग्य ना तुम्हारे हाथों में है, ना तुम्हारी माता रानी के हाथों में। जहां वही होगा जो मैं चाहता हूं, समझ गए? जितनी फरियाद करनी है ना, कर लो अपनी माता रानी से, पर वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। क्या फायदा इस आस्था का, हाँ, इस विश्वास का? छोड़ दो ये भक्ति। इस घर में तुम्हारे पास बहुत लोग हैं बचाने के लिए, पर समय बहुत कम। अरे 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 अरे, जो बात कहने आया था वो तो भूल ही गया मैं। प्रभु जी तुम्हें बुला रहे हैं, चलो चलो आओ। कहां हैं आप साक्षी बच्चा, और ये सब क्या कर रही हैं? इधर आइए, जरा आगे आइए। ये आपकी कर्म भूमि है, शील कुमार, शील निवास, शील आश्रम। यहां आपने कुछ प्रण लिया है, कुछ कर्तव्य है आपके। आपकी निजी जिंदगी इलहदा है, वो आपकी है। यहां आपको कर्म करना है, यहां आपको अपनी ड्यूटी निभानी है। इस ड्यूटी के बाद आप क्या करती हैं, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। लेकिन आपकी निजी जिंदगी की वजह से शील निवास में, शील निवास की शांति में कोई खलल पड़े, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
किसने दिया आपको ये हक कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा? प्रभु जी, इसे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं कि इससे गलती हुई है, पर ये अपनी गलती समझ गई है। इसे माफ कर दीजिए, फिर से ऐसा नहीं करेगी। अमन बच्चा, आप इस शील आश्रम के पुत्र हैं, जाइए अपने कक्ष में जाइए और विश्राम कीजिए। जाइए अमन बच्चा, कल्याण होगा। आप सब लोग भी जाइए, जाइए। हमारी प्यारी दुलारी सुश्री, आदरणीय दुनिया की सबसे होशियार चतुर पोती साक्षी जी, जमीन पे उतर आइए। यह गलती दूसरी बार नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आओ बल्ली। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हैं आप? साक्षी के बारे में सोच रही हूँ। बड़े पापा का साक्षी के लिए जो रवैया बदला है उसके बारे में सोच रही हूँ। साक्षी की जिस तरह से शादी हुई है उसके बारे में सोच रही हूँ। माँ, आज दादाजी ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। साक्षी के साथ तो उससे भी बुरा होना चाहिए था। होती कौन है वो अमन भैया को इस घर से बाहर निकालने वाली? लगती क्या है वो इस घर की? इस घर की बेटी, वैष्णवी की बेटी। माँ, रिश्ता होने से इंसान अपना नहीं हो जाता। क्या दादाजी आपको अपने लगते हैं? तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती। जरूर जरूर कोई ना कोई और बात है, इन सब बातों के पीछे कोई और राज है। और वो राज क्या है ये मैं साक्षी के मुंह से ही जानूंगी, उससे ही पता करूंगी। माँ, आप तो सब जानती हैं ना, दिन पर दिन मेरे मन का डर बढ़ता ही जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो शील कुमार कुछ कीजिए माँ, कुछ कीजिए। मधुरा आंटी, आप मधुरा आंटी, कुछ काम था आपको? कुछ काम नहीं था, तुमसे बात करनी थी मुझे।
कैसी बातें मधुरा आंटी? वो ही तो नहीं जानती, नहीं जानती मैं कि क्या बात करनी थी मुझे तुमसे। जब से तुम्हारी शादी हुई है उसके बाद तुमने इस घर में जो कुछ भी कहा, क्या सच कहा क्या झूठ कहा मुझे नहीं पता, तुमने वो सब क्यों कहा वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानती हूँ साक्षी बेटा कि तुम बहुत साफ दिल की लड़की हो। ये सब जो कुछ भी हुआ ना वो तुम्हारी मर्जी से नहीं बल्कि तुम्हारी मजबूरी थी, सब कुछ तुम्हारी मजबूरी से हुआ है। साक्षी बेटा मुझे बता, मुझे बताओ बेटा कि उस मजबूरी के पीछे तुम्हारी क्या सच्चाई छुपी हुई है, उन सब बातों के पीछे क्या राज है, मुझे बताओ साक्षी बेटा। नहीं मधुरा आंटी ऐसी कोई बात नहीं, आप कैसे सच? मेरे सर पर तुम्हारा हाथ है, तुम झूठ नहीं बोल सकती हो, तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। बताओ साक्षी वो बली कौन है? जानती हो साक्षी, इस घर में मुझे सबसे अच्छी मधुरा जी लगती है क्योंकि वो सबसे भोली है। देखो ना उनकी ममता भरी आंखों से प्यार छलकता है, पर थोड़ी कमजोर है वो, ब्लड प्रेशर की मरीज है, दिल थोड़ा सा कमजोर है उनका। और जब ऐसे लोग इतने सारे सवाल पूछते हैं ना तो अजीब सा लगता है मुझे, क्योंकि अगर उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल भी गया तो क्या कर लेंगी वो, क्या कर सकती हैं वो? हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जानती हो ना तुम, हेलो आयुर्।
आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जुकाम सर्दी खांसी का शर्तिया इलाज, केवल 10 रुपए में एक पुड़िया लीजिए, 10 रुपए में लीजिए, 10 रुपए में, केवल 10 रुपए में। चाचा जी, अभी यहाँ पे एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है, आपने देखा क्या? पता नहीं बेटा, मैं तो अभी भी यहाँ आया हूँ, पर ऐसा कुछ सुना तो नहीं है। पर आप एक काम करिए, सामने उस दुकान वाले को पूछिए, वो आपको सब सही सही बता देगा। भैया जी, अभी यहाँ पर कुछ देर पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, आपने देखा क्या? एक्सीडेंट नहीं तो, अरे मैं तो सुबह से यहीं पर हूं। थैंक यू। अगर यहां पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो फिर फोन किसने किया था? वो फोन मैंने किया था साक्षी। मथुरा आंटी, आप तो बिल्कुल ठीक है, फिर आपने ये क्यों कहा कि आपका एक्सीडेंट हुआ है? क्योंकि मुझे तुमसे बात करने का और कोई तरीका नजर नहीं आया साक्षी। आप मैं कुछ समझी नहीं साक्षी। तुम घर में हर वक्त डरी हुई सहमी हुई सी रहती थी। मैंने तुमसे इतनी बार बात करने की कोशिश की लेकिन कभी तुमने मुझसे बात नहीं की, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया साक्षी। देखिए मथुरा आंटी, मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे साथ चलो, सब कुछ समझ जाओगे। मेरी बात तो सुनिए मधुरा आंटी। माता का मंदिर है, अपनी सारी फिक्रें माता पर छोड़ दो, अपने सारे दर्द माता को दे दो, दिल से सारे बोझ निकाल दे और अपनी माँ को बता दे कि सच्चाई क्या है, सब कुछ सच सच बता दे बेटा, आज किसी से मत डर तू, बता सब कुछ सच सच बता दे, कौन है वो बलि? तू वाकई उसे आजादपुर से जानती है? बोल दे बेटा, किसी से मत डर, कोई नहीं है यहाँ पर, बोल बेटा, बता, अपनी माँ को सब कुछ सच बता दे बेटा, किसी से मत डर, बोल। वो मधुरा आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा आप सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानती, मैं हर किसी ये नहीं मान सकती कि तुम बलि को पहले से जानती हो। साक्षी, अगर तुम बलि को पहले से जानती होती तो तुम अमन के साथ रिश्ता नहीं जोड़ती, तुम उसका दिल नहीं तोड़ती। देखो साक्षी, मुझसे झूठ मत बोल, मुझे सब कुछ सच सच बता। तुम मुझे अपनी माँ मानती हो ना, तो फिर अपनी माँ को सच्चाई नहीं बताओगी। देखो साक्षी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बोलो साक्षी, बताओ साक्षी, सच्चाई क्या है? साक्षी बोलो। मथुरा आंटी, वो मैं बलि को
देखिए मधुरा आंटी, मैंने कहा ना, मैं बलि को पहले से जानती हूँ। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं मधुरा आंटी, मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। साक्षी, साक्षी बेटा रुको, साक्षी, साक्षी, साक्षी रुक जा बेटा, साक्षी, साक्षी रुक जा, साक्षी तुझे मेरी कसम, साक्षी रुक जा बेटा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। साक्षी देखो, साक्षी मैं जानती हूँ कि तुम बहुत घुटन महसूस कर रही हो बेटा, तुझे सब कुछ सच बताना होगा। बता बेटा क्या बात है। बोल बेटा बोल। मथुरा आंटी, मैंने आपसे कहा ना कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर मैं क्या बताऊं आपको। और देखिए मथुरा आंटी, प्लीज आप मेरे पीछे मत पड़िए, मैंने ये जो कुछ भी किया है उसमें मेरी मर्जी थी, इसलिए आइंदा से आप इन सब बातों से दूर रहिए, छोड़ दीजिए मेरा पीछा। रुक जाओ साक्षी, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, सच्चाई कुछ और है, मैं जाने भी कि तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारा पीछा। मधुरा जी, आप मुझे ऐसे कदम उठाने पे मजबूर कर रही हैं जो आपको नहीं पसंद आएंगे, बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। साक्षी रुक जाओ, साक्षी, साक्षी सुनो मेरी बात, सुनो साक्षी, साक्षी, साक्षी रुक जाओ, साक्षी, चलते देखिए ना, कितना सारा खून बह गया, उनकी सांसें रुक रही है। मुझे क्या कह रही हो, हाँ
जा अपनी माता रानी से कहो। बली जी देखिए ये सब बातों का अभी वक्त नहीं है, उन्हें उन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। बली जी देखिए ना कितना खून बह गया उनका, वो मर जाएंगी बली जी, वो मर जाएंगी। मदद कीजिए बली जी, मेरी मदद कीजिए, मर जाएगी मेरी चाची, मर जाएंगी वो। बली जी प्लीज ऐसा मत करिए, मेरी मदराल चाची वो मर जाएंगी, ऐसा मत कीजिए बली जी, ऐसा मत कीजिए। ठीक है मैं आऊंगा। उनकी अर्थी को कंधा देना, अरे वो मर तो जाए। ऐसा मत कहिए बली जी, ऐसा बली जी ऐसा मत करिए, बली जी बली जी रुक जाइए, बली जी ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। मर जाएगी मेरी चाची, बली जी रुक जाइए। मधुरा आंटी देखिए आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, मैं आपको लेके जाऊंगी हॉस्पिटल। हाँ मैं अब डॉक्टर साहब अब इनकी तबीयत कैसी है? देखिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अभी मथुरा आंटी कैसी है? अब मथुरा आंटी कैसी है? ये लोग कौन है? डॉक्टर साहब हम पेशेंट की फैमिली है। वो मेरी माँ है सर। डॉक्टर साहब आप पेशेंट की तबीयत कैसी है? देखिए उन्हें आने में काफी देर हो गई है, खून काफी बह चुका है और चोट भी बहुत गहरी है। इस वक्त मैं कुछ कह नहीं सकता। सब ऐसा मत कहिए, मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरा उनके अलावा कोई नहीं है, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान मालिक है, प्रार्थना कीजिए। माँ तुझसे मिलने गई थी ना? हाँ क्या किया तुमने उनके साथ? श्वेता जी की तो जान ले ही चुकी है, अब मेरी माँ के पीछे पड़ी हो तू? साक्षी अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना। देखो मानसी तुम घबराओ मत, मथुरा आंटी को कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। साक्षी तुम क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? अरे डायन भी सात घर छोड़कर वार करती है, पर तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। बस करो तुम दोनों, ये वक्त नहीं इन सब बातों का। और साक्षी तुम यहां से चली जाओ। यहाँ पे मत आना, खामखा मुश्किलें बढ़ती हैं। हम सब हैं यहाँ पे, हम सब संभाल लेंगे। तुम प्लीज यहां से जाओ।
पढ़ी हो तुम? अरे डायन भी सात घर छोड़कर बाहर छोड़कर बाहर चलती है। इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। तुम यहाँ से चली जाओ, और जा, और तुम्हारा यहाँ पे मत आए, क्या जमाना आ गया है, जान बचाने की कोशिश का सिला तिरस्कार। घोर कलयुग, बेचारी साक्षी, कहाँ जा रही हो? कहीं अपनी माता रानी के पास तो नहीं जा रही? तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी माता रानी कुछ नहीं कर सकती, अगर कुछ कर पाती तो ये हादसा कभी नहीं होता। पर तुम भी ना लकीर की फकीर, फिर से वहीं जाओगी। इतना भरोसा है ना अपनी माता रानी पर? पर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मधुरा जी का क्रियाकर्म मैं खुद एक बेटी की तरह करूंगा, सारी रस्में पूरी करूंगा। ये लो गंगा जल, मरने वाले को आखिरी वक्त में पिलाया जाता है। तुम तो कहीं जा रही थी ना, जाओ अपनी माता रानी के पास, भीख मांगो उनसे, पर मधुरा को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं, क्या कर दिया आपने महाबली जी? अरे क्यों भेज दिया साक्षी को माता रानी के पास? माँ तो ऐसे मौके ढूंढती रहती है मदद करने के लिए। यही तो चाहता हूं मैं कि माता रानी को मौका मिले और वो कुछ ना कर पाए। जरा तफसील से समझाएंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। साक्षी सीधे माता रानी के पास जाएगी, उनसे भीख मांगेंगी, मिन्नतें मांगेंगी, किटकिटाएगी और उसके बाद मधुरा मर जाएगी। क्या बात है बल्ली, साक्षी के मन के अंदर से माता रानी की आस्था को कुचलने का इससे अच्छा मौका और कौन सा हो सकता है? कमाल की कौड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं बल्ली कि आपने माँ को ओपन चैलेंज दे दिया है, खुल के सामने आ गए हैं? युद्ध का मजा तो तब आता है जब दुश्मन को खुलेआम चुनौती दी जाए। ये मेरी चुनौती है माता रानी को कि आप जो चाहे कर ले, पर आप मधुरा को नहीं बचा सकती। दिखाइए आप क्या कर सकती हैं, दिखाइए कि आप इस सृष्टि का सार हैं। दिखाइए, मधुरा चाची की जान बचानी होगी। जो संघर्ष मैंने शुरू किया था उसमें किसी की जान नहीं लिखी थी माँ।
आपको मेरी लाज रखनी होगी आज। आप तो पूरी जगत की माता है ना। और मधुरा चाची मेरी माँ समान है। उनके अलावा और कोई नहीं है माँ, वही मेरे लिए मेरी माँ है। उनकी जान बचा लो माँ, उन्हें बचा लीजिए। मेरे सर से मेरी माँ का आंचल मत छीनो माँ, मत छीनो। मेरे संघर्ष में और खून नहीं है माँ, और खून नहीं। मैं नहीं सह पाऊंगी माँ, नहीं सह पाऊंगी। मानसी बच्चे रोते नहीं, मैं मानता हूं मेरे बच्चे दुख तो होता ही। मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा, मधुरा को ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब तक मधुरा चाची ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं इस चौखट से कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी माँ मैं। माँ, आपको उन्हें ठीक करना ही होगा। हाँ माँ, उन्हें ठीक करना ही होगा। साक्षी ने अपनी कोशिश शुरू कर दी।
जितनी कोशिश करनी है कर लो साक्षी, पर तुम इस दिए को बुझने से नहीं रोक सकती। इस दिए में मधुरा की सांसें हैं। यहाँ वो दिया बुझा और वहां मधुरा की जान गई। रुकिए, ये तीन शून्य तीन, ये कमरा कहाँ है? सब एक बराबर नजर आ रहे हैं। ऊपर है, आगे से लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट, ऊपर जाके लेफ्ट।